ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम अपने चैनल पर रोज़ आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। हम हर रोज़ माँ गजिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएँ। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको तुलसी के पौधे के बराबर में रखने हैं, जिससे आपको अधिक लाभ मिलेगा और माँ लक्ष्मी आपके छप्पर फाड़ के धन बरसाएंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जानकारी शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इस जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पे पुनः वापस आते हैं। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, यही वजह है कि घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यदि घर में तुलसी का पौधा हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और सकारात्मक ऊर्जा घर में रहती है। तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल अर्पित करने से और शाम के वक्त घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी और अधिक प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो कुछ पौधे जो आपको तुलसी के पौधे के बराबर में रखने हैं। पहला पौधा है चंपा का। तुलसी के पौधे के साथ घर के उत्तर पश्चिम दिशा में चंपा का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरा पौधा है शमी का पौधा। जी हाँ, तुलसी के पौधे के बराबर में शमी का पौधा लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन की वर्षा होने लगती है और यदि आप व्यापार करते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं तो तुलसी के पौधे के साथ घर में काले धतूरे का पौधा लगाएं, इससे व्यापार में तरक्की मिलेगी। घर के मुख्य द्वार पे केले के पौधे को बाईं ओर रखें और तुलसी के पौधे को दाईं ओर रखें, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती है। इसी के साथ दोस्तों अब हम आपको तीन ऐसे पौधे भी बता दें जो आपको तुलसी के पौधे के साथ नहीं रखने हैं। ध्यान से सुनिएगा, तुलसी के पौधे के साथ आग का पौधा नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा तुलसी अपने आप नष्ट हो जाएगी। तुलसी के साथ फाइकस भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये पौधा तुलसी से मिलने वाली पॉजिटिव एनर्जी को सोख लेता है। और तो और तुलसी के पौधे के साथ कैक्टस के पौधे को भी नहीं रखना चाहिए। कैक्टस के पौधे नेगेटिव पौधा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमने आपको बातें बताई इनका ध्यान रखें। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो इन पौधों को रखें और जो पौधे बताएं उन्हें कभी भी भूल से ना रखें। दोस्तों आपको लाभ कुछ ही सेकंड के भीतर देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।